सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है जब आप किसी प्रॉपर्टी में काम करते हो ना, जैसा आपने किसी बैंकवेट चूज़ किया, आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो बैंकवेट में लगी हुई थी टाइल्स। अब टाइल्स जब लगी होती है और उसके ऊपर हम लोग जब ट्रसेस लगाते हैं या हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम लोग स्टैंड लगा देंगे नीचे, या हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना हो हमारे साउंड वाउंड की आवाज़ में। पर जो मेजर चीज़ होती है ना जिसकी वजह से होटल सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है वो होता है इसका बेस। तो जैसे अगर आप इसका बेस देखोगे ना तो मैं इस पर स्टैंड नहीं लगा सकता, अगर स्टैंड लगाऊंगा तो ये इतना स्पेस कवर कर लेगा। तो स्टैंड मैंने अवॉइड करने के लिए नीचे पैडिंग कर दी है, उसी कपड़े की मैंने पैडिंग कर दी है और उसको मैंने नॉट कर दिया है। अब क्या होगा, जब तक कपड़ा नहीं फटेगा तब तक वो मेरा पोल ज़मीन को टच नहीं करेगा और उसको तो स्क्रैच नहीं आएगा। दूसरा उसका नेगेटिव पॉइंट ऐसा हो सकता है कि ये पोल्स थोड़े स्लिप होंगे, तो उसके लिए जो मेरा डिवाइडेशन है वो आर्किटेक्चरल डिवाइडेशन आपको आना चाहिए वेट का। तो अगर मैं इसको पूरे ऐसा अपना पावर से हिलाऊंगा ना तो भी ये मूव नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको टाइम के साथ लर्निंग आ जाएगी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेडिंग समझनी है तो आप मुझे DM कर दो, मैं आपको ग्रेडिंग समझाऊंगा। दूसरा, मेरे पास जो हैंगिंग्स है ना वो यहाँ पे हमने बोहो थीम के साथ में इंडियन टच लिया है और कोशिश करी है कि जो हमारा जो एम्बियंस है वो थोड़ा सा एम्बर लुक में रहे। और बैंकवेट के अंदर ड्रेपिंग करना और इतनी लाइट्स के साथ काम करना, जब ये चालू होगी तो इसका मैं आउटपुट आपको बताऊंगा, वो बहुत मैटर करता है। फाइंडिंग द राइट क्लॉथ, द राइट, जो हमने देखा रोज गोल्ड और उसके साथ हमने बेज मिक्स किया है। यूजुअली लोग ब्लैक एंड गोल्डन ज़्यादा मिक्स करते हैं, बट डोंट डू इट। अगर आप उसके साथ करोगे, गोल्डन के साथ अगर आप ऐसा ब्लैक डाल दोगे या बेज के साथ ब्लैक डाल दोगे तो वो बहुत नॉर्मल सा लगेगा। कोई नए कलर्स आप इंट्रोड्यूस करो, लेवेंडर यूज़ करो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका एम्बर लुक में बहुत अच्छा लुक भी आएगा और इन चीज़ों की वजह से ना काम बहुत जल्दी हो जाता है। और जो आप बाकी तो देख ही रहे हो, मैं आपको बाकी आउटपुट बता देता हूँ इस वीडियो के एंड में।